लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं देंगे, हुकूमत पीटीआई मार्च के शुरका से निमटने के लिए तैयार। शहर इक्तदार में सिक्योरिटी सख्त, डी चौक सील, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। 22,000 एहलकार, 100 कैदी वैक ने, 15,000 शेल तैयार। दीगर सूबों से भी नफरी तलब। जीटी रोड को दरिया जहलम के पुल से बंद करने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़। केपीके से आने वाले रास्ते अटक में कंटेनर्स लगाकर बंद किए जाएंगे। पीटीआई लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाए, वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला लॉन्ग मार्च से निमटने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क में हंगामी सूरत हाल, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नून लीग का अहम इजलास भी आज बुला लिया। सियासी सूरत हाल, अमनो अमान और पीटीआई लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। वजीर आजम JUI अरकान पार्लियामेंट के एजाज में दोहराना देंगे। अहम अमूर पर मुशावरत होगी। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, नून लीग ने इमरान खान का नए इलेक्शन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जर सदारत इजलास में बड़ा फैसला, नवाज शरीफ ने हुकूमत से अलग न होने के फैसले की तौसीक कर दी। लॉन्ग मार्च पर प्लान मुरतब करके इतिहादी जमातों से शेयर करने की हिदायत। किसी गैर आईनी मुतालबे को कबूल नहीं किया जाएगा, महाज आरआई पर सख्ती से निमटने का फैसला। कानून हाथ में लेने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि अवाम को फितना परवर जत्थों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। शरपसंद पहले ही गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के पहाड़ गिरा चुके। ऐसे तकरीबकारों का कला कमा किए बगैर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बहसत कौम इन शरपसंदों का रास्ता रोकना होगा। 700 पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मंसूबा है, फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं अकल के नाखून लें, गीदड़ भक्कियों से मामला हल नहीं होगा। लाठी और गोली से लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा। लॉन्ग मार्च खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब वालों के लिए है। कराची, हैदराबाद, सखर और कोयटा में एहतजाज होगा। आर्मी चीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। आर्मी चीफ ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की खैरियत दरियाफ्त की। सऊदी वलीअहद का खैर सगाली पर जनरल कमर जावेद बाजवा से इजहार तशक्कुर। पाक सऊदी अस्करी तावन पर भी बात हुई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान उमरा अदायगी के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। आज रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। मौलाना फजलुर रहमान जद्दा और रियाज में तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का दुआ जहरा को जुमे को 11 बजे पेश करने का हुक्म। बताएं दुआ जहरा कहाँ है, आपके मुखबर क्या कह रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो का इस्तफसार। दुआ जहरा बालाकोट में है, पेश करने के लिए एक दिन की मोहलत दरकार है। क्या सिर्फ मोबाइल फोन से लोकेशन पर तफ्तीश हो रही है? मोबाइल फोन तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस फैसल आगा के रिमार्क्स। सिंध में दूसरे मरहले में होने वाले बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में इंतखाबात 24 जुलाई को होंगे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 8 से 11 जून तक जमा करा सकेंगे। 9 जून को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। दीर सवाद, एबटाबाद और हरिपुर में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुजी अबर आलूद रहने, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को।